हर कोई जानना चाहता है कि कनाडा का वीजा क्यों बंद हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आज 27 लाख फाइल है उनके पास, जिसमें से 8 लाख स्टूडेंट वीजा की फाइल हैं। आप खुद समझदार हैं कि 8 लाख एप्लीकेशन स्टूडेंट वीजा के लिए नहीं ली जा सकती। आज डिमांड बहुत बढ़ गई है, सप्लाई बहुत कम है। उनको सारे भारतीय नहीं लेने, वो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर बच्चा लेना है तो यूनिवर्सिटी में लिया जाए, दो गुना फीस से लिया जाए। यही एक कारण है कि छोटे मुल्कों में से 5 साढ़े 5 बैंड पे भी वीजा मिल जाता है, जब इंडिया की बात होती है तो 6.5 बैंड की डिमांड की जाती है। आज यूनिवर्सिटीज जो इंडिया से एप्लीकेशन लेती हैं वो 6.5 आईएलटीएस पे लेती हैं, जो चाइना से एप्लीकेशन आती है वो 4 साढ़े 4 बैंड से आ जाती है। हर एक कंट्री के लिए अलग पैरामीटर सेट किए जाते हैं। जो लोग बांग्लादेश से अप्लाई करते हैं उनको 5 साढ़े 5 बैंड पे पति पत्नी इकट्ठे को वीजा मिल जाता है। जब हम भारत से अप्लाई करते हैं हमारे वीजे नामंजूर किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। यदि आपका भी वीजा रिफ्यूज हो चुका है और चाहते हैं इसको दोबारा लगाना, तो आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, बैचलर मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है। डिप्लोमा का खेल खत्म हो चुका है। आज भी अगर डिप्लोमा में अड़े रहेंगे कुछ नहीं बनना आपका। इसलिए मेरी विनती है कि चाहते हैं कि आपके सपने साकार हों तो बैचलर या मास्टर डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी में दोबारा फाइल रखिए, आप वीजे तक जरूर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।